हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अलाइसब्लू। मैं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, देखेंगे कहाँ पे एंट्री कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल, मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया। जैसे आपको पहले एक मैंने एक बफर जोन दिया था आपको, जिसे मार्केट यहाँ पे अगर ये 4135 ब्रेकआउट नहीं किया तो ये मार्केट फ्यूचर नीचे आ सकता है। तो देख सकते हैं मार्केट फ्यूचर नीचे आ गया, इसको ब्रेकआउट किया था, लेकिन 200 मूविंग एवरेज का यहाँ से एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है डेली, जैसे 4135, तो मार्केट फ्यूचर नीचे आ गया, राइट। तो यहाँ पे हमें अभी देखना है, हमें एक सपोर्टिंग पॉइंट मिला, जैसे आप देख सकते हैं ये सपोर्टिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट होके मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फ्यूचर एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो देखेंगे आज हम कहाँ कौन सा डायरेक्शन में एंट्री कर सकता है, राइट। तो इसलिए हमें पहले 15 मिनट में, जैसे आप देख सकते हैं ये 15 मिनट, तो 15 मिनट में अपने यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके नीचे आके, 200 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट करके नीचे आके एक सपोर्टिंग जोन था यहाँ पे, फिर से मार्केट रिवर्स होके 200 मूविंग एवरेज जो पहले सपोर्ट था अभी ये रेजिस्टेंस बन गया, तो इसे फिर से रिट्रेसमेंट किया। अभी दो डायरेक्शन हमें मिला हुआ है, एक हमें जस्ट ए मिनट यहाँ पे, एक हमें ऐसे एक डायरेक्शन मिला, जिसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अभी दो डायरेक्शन में है, क्योंकि ऊपर में ये जो सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग लाइन से प्राइस ऊपर जा रहा है और अभी देख सकते हैं आप रिट्रेसमेंट कर रहा है। नहीं तो अगर ये देखेंगे तो मार्केट ये लोअर लो, लोअर हाई और एक बना सकते हैं यहाँ से लोअर लो, राइट। यहाँ से एक और लोअर लो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, राइट, यहाँ पे लोअर लो बना सकते हैं। नहीं तो यहाँ से और एक हमें मिला ऑप्शन, एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर सकते हैं यहाँ, राइट। यहाँ पे अभी ये जो होता है ये हेजिटेशन जोन होता है, क्योंकि एक डायरेक्शन होता है मार्केट नीचे भी आ सकता है और एक डायरेक्शन ऊपर भी जा सकता है यहाँ पे। तो अभी हमें कौन सा डायरेक्शन में घुस सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड का पैटर्न फॉर्म कर सकता है प्रोबेबिलिटी, कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है, मतलब दोनों साइड में हो सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके और ये नीचे भी आ सकता है ये लोअर लो क्रिएट करने के लिए, राइट। लोअर लो क्रिएट करेंगे तो हम देखेंगे ये जस्ट ए मिनट ये फॉर्म करेंगे इसे, लोअर लो बनाएंगे तो ये फॉर्म करेंगे, ये जैसे यहाँ पे ऐसा एक फॉर्म कर सकता है मार्केट, राइट। यहां से एक मार्केट फॉर्म हो सकता है, तो यहां से ब्रेकआउट करके नीचे आ सकता है। नहीं तो और एक होता है यहाँ पे मार्केट, ये दोनों लोअर पॉइंट, राइट, और नेक्स्ट टारगेट यहां पे आ सकता है, राइट, यहाँ पे आ सकता है मार्केट, यहाँ पे भी आ सकता है और मार्केट यहाँ पे भी आ सकता है, अभी मार्केट यहाँ पे है, राइट। तो अभी कौन सा डायरेक्शन में हम जाए और कहाँ पे बाय करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो फिबोनाची डाल के यहाँ पे 60% रिट्रेसमेंट किया, और यहाँ से हम कनेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ से एक जो क्रैप पैटर्न होता है, क्रैप पैटर्न फॉर्म करेंगे यहाँ पे, राइट, ऐसा कैप पैटर्न भी फॉर्म हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, राइट, टारगेट यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन हम कौन सा डायरेक्शन में एंट्री करेंगे। तो इसलिए मैंने जस्ट ए मिनट मैंने इसको रिमूव कर देता, हमें एंट्री के लिए कहाँ पे एंट्री करना है और कहाँ पे एंट्री करेंगे, तो इसलिए थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको, क्योंकि मार्केट दोनों साइड जाने वाला है, जा सकता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे देख सकता है मैं अभी ट्रेडिंग यूज करेंगे दो मेथड से, एक मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर और दूसरा बाउंस। तो यहाँ से देख सकता है 200 से मार्केट ऑलरेडी एक बार बाउंस हुआ, तो नेक्स्ट फिर से यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ, मतलब ये जो डाउन ट्रेंड लोअर लो क्रिएट करने के लिए आ रहा था, ये प्राइस कंटिन्यूअस नहीं हुआ, मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ, तो यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो रिट्रेसमेंट करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे अगर ये 20 मूविंग एवरेज को 5 मूविंग एवरेज से क्रॉस कर दिया और यहाँ पे
50 को क्रॉस कर दिया, राइट जो परसेंटेज आर जो लेवल -50 इसको अगर ये यहाँ पे क्रॉस कर दिया, दोनों एक साथ कॉन्फर्म करके अगर क्रॉस कर दिया तो यहाँ से मैं बाय ले लेंगे, तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा मेरा 4092 का आसपास, राइट। अगर इसको क्रॉस नहीं किया तो यहाँ से बाउंस हो गया तो इसका नीचे से मैं सेल स्टार्ट करेंगे, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।